हेलो किसान भाइयों, मैं सिमरनजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किसान अड्डा पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमिक एसिड के बारे में, यानी कि जो ह्यूमिक एसिड आता है इसकी जो प्रयोग विधि है वो क्या है, कितनी मात्रा में जो है आपको एक एकड़ के अंदर डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, कितने रुपये का यह मिलता है, इसके बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। किसान भाई, जैसा कि हम लोग जो है यहाँ पे जो है जीव रस नाम का जो है मल्टीप्लस का किसान भाई ये प्रोडक्ट आता है जिसमें कि ह्यूमिक एसिड होता है 12%, और ऐसे बहुत सारी कंपनियों का जो है किसान भाइयों जो है ह्यूमिक एसिड आता है, और इसको जो है आज हम लोग अपने खेत में किसान भाई डालने जा रहे हैं, जिससे कि आप ये देख पा रहे होंगे ये जो है गहरे काले कलर का किसान भाइयों ये जो है प्रोडक्ट होता है। ह्यूमिक एसिड जो होता है किसान भाई दो फॉर्म में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है और एक दानेदार फॉर्म में। आप किसी भी जो है फॉर्म में अपना जो है इसको उपयोग में ला सकते हैं। हम लोग जो है यहाँ लिक्विड फॉर्म वाले को किसान उपयोग में ला रहे हैं, और इसको जो है प्रयोग करने से पहले इसको जो है किसान जो सूखी बालू आपको लेनी होगी, बालू या मिट्टी में भी आप इसको मिला सकते हैं। हमने यहाँ जो है बालू लिया है, बालू में जो है किसान भाइयों हम लोग जो है इसको मिला रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो एक तसला जो है हम लोगों ने सूखी बालू ली है, उसके अंदर जो है किसान भाइयों हम लोगों ने एक लीटर जो है किसान भाइयों जो जीवरस नाम से आता है मल्टीप्लस कंपनी का, उसका किसान भाइयों जो है हम लोग यहाँ ह्यूमिक एसिड को उपयोग में ला रहे हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे ये 12% किसान भाइयों जो है इसके अंदर ह्यूमिक एसिड है। इसको जो है सबसे पहले प्रयोग करने से पहले जो है हम लोग किसान भाइयों इसको जो अच्छे से इसको पीपी को हिलाते हैं। हिलाने के बाद में जो है एक लीटर जो है इसके अंदर ये 5 लीटर की किसान भाइयों पैकिंग है, जो कि हम लोगों को 2170 रुपये की पड़ी है, तकरीबन 434 रुपये लीटर के आसपास जो है किसान हमें पड़ी है। एक लीटर जो है एक एकड़ के लिए किसान पर्याप्त रहता है। इसको सबसे पहले आपको जो है बालू में अच्छे से मिला लेना है। बालू में मिलाने के बाद में किसान भाइयों जो है आप इसको जो है यूरिया खाद में मिला के भी अपने खेत में डाल सकते हैं, अकेला भी डाल सकते हैं, या आप NPK या किसी भी अन्य खाद में मिला के जो है आप बहुत ही आसानी से जो है अपने खेतों में डाल सकते हैं। इससे जो है पौधों की जो है रूट जो किसान भाइयों है यानी कि जो आपके जड़ का विकास है बहुत अच्छे ढंग से होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है इसके अंदर भी किसान भाई विद्यमान होते हैं, यानी कि बहुत अच्छा जो है इसका रिजल्ट पौधों के अंदर किसान भाई देखा गया है। और किसान में इसके अंदर जो है यानी कि जीवरस के अंदर जो है आपको काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें नाइट्रोजन भी दी गई है, फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, ऐसे बहुत सारे जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है इसके अंदर दिए गए हैं। इसका जो रिजल्ट है आपको फसलों में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इससे जो है हमारा जो रूट जोन होता है किसान पौधों का वो बहुत अच्छे ढंग से उसका जो है विकास होता है, यानी कि जड़ क्षेत्र का बहुत अच्छे ढंग से विकास होता है। और इसके साथ साथ किसान इसको जो है डालने का जो तरीका जिसमें आपको बताया कि इसको जो है आप ऐसे अच्छे से मिला लें बालू में, बालू मिलाने के बाद में जो है आप इसको यूरिया या NPK या किसी अन्य खाद में जो है मिलाकर जो है आप अपने खेत में डाल सकते हैं। इसका किसी भी प्रकार का जो है साइड इफेक्ट जो है अन्य किसान भाइयों जो है दवाइयों के साथ नहीं होता, यानी कि आप इसको किसी भी जो है खाद में मिलाकर जो है इसका उपयोग अपने समय गन्ने में या फिर समय धान की फसल या किसी अन्य फसल में किसान आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा जो है इनका रिजल्ट देखा गया है। आप किसी अन्य कंपनी का भी किसान भाइयों जो है ह्यूमिक एसिड डाल सकते, सभी का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा जो किसान भाइयों आता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को किसान भाइयों आप लोग जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।